फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं प्रिया आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आरविश लोग ब्लॉग में। तो बताइए आप लोग कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। अभी टाइम हो रहा है 6, जैसा कि आप लोग घड़ी में, वैसे फ्रंट कैमरा है तो घड़ी उल्टा दिखेगी। तो टाइम हो रहा है 6 और 6 बजे ही पति देव को डिनर वाली भूख लग गई है और इन्होंने ऑर्डर की है बिरयानी। वो बोला था कि 5:30 बजे तक आ जाएंगे, 5:30 से 6 बज गए। आधे घंटे वेट करने में इनकी क्या हालत हो रही है आप लोग देख लीजिए। इनके स्माइल से बता सकते हैं कि इनके ऊपर क्या बीत रही है, क्या बीत रही है जी। चलो दर्शकों को अपने बताएंगे। कब से परेशान है कि अभी आया नहीं, 2 बार को कॉल कर चुके हो। पर्स लेके खड़ा हुआ है। 2 बार कॉल कर चुके लेकिन वो अभी तक आया नहीं। और बच्चे भी हमारे कर रहे हैं तो इनका डिसीजन लेना ही गलत था। मैंने कहा कि हम बना देते हैं कुछ, रोटी वगैरह बना देते हैं, कुछ हल्का फुल्का खा लीजिए। लेकिन नहीं, इनको तो खाने का नशा लगा था बिरयानी। वो आज थोड़ा सा दिवाली की सफाई हुई है तो कुछ ज्यादा ही हो गई है तो पूरा दर्द कर रहा। देखिए माही तेरा रास्ता उड़ीक दिया, जावे माही तेरा रास्ता उड़ीक दिया, रास्ता उड़ीक दिया, रास्ता। बड़े बेकार है यार। अच्छा, आप बिरयानी वाले भैया को माही कह रहे हैं? वही इस टाइम मैंने भाई। अच्छा, और अभी हम कल कढ़ी चावल बनाए थे। मतलब जब से घर से आए हैं ना, 2-3 दिन हम एक दिन पनीर बनाए, कल कढ़ी चावल बनाए आए हैं, तब से हमारा किचन में ही ड्यूटी लगाए हैं। ताकि एक हफ्ते हम 10 दिन हम नहीं थे। 10 दिन ये पता नहीं क्या क्या खाए। क्या खाए थे जी? 10 दिन हम क्या खाए? सूखा रोटी खाए, कल का चावल बासी खाए, सब खाए। जब 10 दिन हम नहीं थे यही सब खा रहे थे। तब भी हमारी वैल्यू बिना खाए रहे, तब भी तो हमारी वैल्यू नहीं करते हैं आप। आपको इतना अच्छे से खिलाते हैं, पिलाते हैं, अच्छे से आपको रखते हैं और आप हमारी कदर ही नहीं करते हैं। गलत बात है। और अभी हम गए थे हॉस्पिटल, बोले हैं कि लेकर जाइए बच्चों को हॉस्पिटल। आरवी का थोड़ा सा पेट दर्द कर रहा था तो लेके जाना था, तो नहीं लेकर गए हैं। हम बोले हैं कि आप लेकर जाइए, हम कुछ खाने के लिए बना देते हैं। लेकिन नहीं, बोले नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो हम कहे ठीक है, तो फिर अब गए बच्चों आरवी को लेकर। दवा खा लिए अभी? नहीं। तो डॉक्टर अंकल बोले हैं इसके कि जब पेट दर्द होगा तब दवा खाना, तो इसीलिए अब कुछ नहीं बना पाए हैं। क्लीनिंग भी, फिर शाम को उधर भी जाना हो गया, तो फिर फाइनली ये डिसीजन हुआ कि चलो ऑर्डर कर लेते हैं। और इतना लेट कर दिया, 5:30 से 6 बज गया। अच्छा, आधे घंटे से परेशान है, भूख लगी है। आज हम किचन पूरा अपना अकेले ही पेंट किए हैं। देखिए अभी भी किचन मेरा बिखरा हुआ है थोड़ा बहुत, अभी सेट करना है। तो इसी खुशी में हमारे पति देव ने दिया है ये बिरयानी पार्टी, है ना जी? तो पूरा घर साफ कर दो तुम। हाँ, पेंट कर दो। हाँ, पूरा एक एक तिनका उड़ा दो। हाँ, मैं तुमको कुछ नहीं चाहिए, बस कोई पार्टी नहीं चाहिए आपकी। चल, कल से सुबह से आप हेल्प करेंगे घर में पूरा साफ में। आज ड्यूटी आपकी मॉर्निंग ड्यूटी थी तो इसीलिए हम सोचे छोड़ देते हैं। और पूरा ड्रेस नहीं चाहिए, नहीं चाहिए बाबा, हमें ड्रेस नहीं चाहिए। आज पूरा साफ करके मेरा कमर दर्द कर रहा है। आप कर रहे हैं पूरा, मतलब ये था कि ब्रश से पेंट नहीं करना था, वैक्यूम क्लीनर से करना था, तो उसी से किए हैं। और अभी बाहर करना है तो कल इनसे करवाएंगे। पूरा मेरा बाहर कमर दर्द कर रहा है अभी भी। पूरा किचन के नीचे से सब ड्रम वगैरह रखे हैं, सामान गेहूं चावल उसको हटा के पूरा साफ किए, धोए हैं, मतलब बहुत सारा काम। कम से कम 3 घंटे पूरे मेरे गए हैं किचन क्लीनिंग में। तो इसीलिए फिर मैं खाना नहीं बना सकी। और ये दे, कहाँ जा रहा है? देखो ऐसा है कि जा रहा है वॉकिंग के लिए जा रहा है। ये खाना खाने के बाद 10 मिनट हुआ है, बस 10 मिनट के बाद वॉकिंग के लिए नहीं जाया जाता, आधे घंटे बाद जाते हैं। कौन बोला खाना खाने के बाद वॉकिंग? 1000 कदम। तो आप तो जा रहे हैं 2000 कदम दूर जा रहे हैं। टहलते टहलते कोई मिल गई तो चले जाएंगे कुछ दूर तक उसके साथ। मैं भी जाऊंगी टहलने। वो तो हम लोगों को लेके नहीं जाएंगे, वो अकेले जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी टाइम हो रहा है 7 और आरोही को जाना है स्कूल। इनके डैडी चले गए हैं ड्यूटी क्योंकि उनकी मॉर्निंग ड्यूटी थी और मुझे ही आरोही को जाना है छोड़ने। तो देखिए आरोही क्या कर रही है। आरोही स्लो
क्या करोगी? बताएंगे। कहाँ से सीखी हो बताओ, कहाँ से सीखी? तुम जिद क्यों करी, कब से कर रही है क्या? हम बोल जा रहे श्लोकी उठा देते हैं, तो कह रही है कि नहीं श्लोकी को मैं उठाऊंगी और इसको बजा के। यूट्यूब पे देखी हो ना वीडियो तुम, इसीलिए परेशान कर रही थी। हमने कहा चलो अच्छा ठीक है, तुम उठा ही लो उसको अपने, कई दिन से 3-4 दिन से परेशान है, लेकिन मैं उसको उठाने का कभी मौका ही नहीं मिलता, उठ जाता है, होता है ये काम कर ली वो काम कर ली तब से वो उठ जाता है। लेकिन आज मेरे सारे काम हो चुके हैं और इसको स्कूल भी छोड़ने जाना है, तो उसको उठाना पड़ेगा लेके जाने के लिए। तो चलिए चलते हैं और क्या करते हैं, किसको? चलो आ जाओ। रुक जा, और आगे आओ, और आगे। हाँ चलो बजाओ जोर से, एक बार और बजाओ। तो उठ ही नहीं रहा। कुंभकरण रोज जगाना पड़ता है, रोज उठ जाते हो, आज जगाने पर भी नहीं उठ रहे हो, लेट हो रहा है, 5 मिनट और बचा है। मार रहा है तुमको। क्या हुआ, अभी हट जाओ। अच्छा ठीक है, नहीं नहीं जगाएगी, सो जा। अच्छा सो जा, सो जा, तुमको कोई नहीं जगाएगा। क्या हुआ, अरे गिर जाएगा नीचे। उरे, 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 उरे। क्या दीदी पसंद कर रही है? अच्छा चलो दीदी को लेके चलना है स्कूल, स्कूल छोड़ने चलना है दीदी को। रेडी हो जाओ, चलो आ जाओ। हम स्कूल ले चलेंगे, लेकिन उसको हम ऐसे उठाएंगे। अच्छा लगा उठ के, स्कूल चलना है, चलो चलो। तो पतिदेव ड्यूटी से आए हैं 2 बजे और कुछ खा पी कर वो सो गए थे, उठे हैं 5 बजे। तो उसके बाद मैंने कहा कि चलिए रूम क्लीन हो जाए, एक कम से कम एक रूम तो आज साफ हो जाए। तो अभी 6:30 बज रहे हैं, 2-3 घंटे लग जाते हैं एक एक रूम में। तो वही हो रहा है कि चलो अच्छा एक रूम आज साफ हो जाए, तो इसी में लगे हैं। देखिए श्लोक भी साथ साथ लगा रहता है, मतलब जब तक काम होगा ना वो भी अपना कुछ ना कुछ लगाए रखता है काम। आरुही बेडरूम में अपना होमवर्क कर रही है और ये हम लोगों के साथ लगा पड़ा है यहाँ पर, एकदम ये परेशान कर दिया है और गिर भी गया। तो मैंने इसको यहीं पर बैठा दिया कि चलो अब तुम बैठो शांति से, चुपचाप यहाँ से हिलना मत। तो वहाँ पर बैठ कर चिल्ला रहा है मुझे उतारो यहाँ से। तो अभी सब कुछ क्लीन हो चुका है, बस सेट करना बाकी है। तो अब उसमें भी 1/2 घंटे लगेंगे, तब एक रूम हमारा साफ हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पेंटिंग का काम लेके बैठी हूँ, वैक्यूम क्लीनर से पेंट कर रही हूँ। तो ये हमारा लेकर भाग गए हैं, दो गए मेरा पेंट। ए मेरा पेंट दो यार। भागो यार, दिमाग में खाओ यार। आपको क्या प्रॉब्लम है, पेंट हम कर रहे हैं तो आपको क्या मिर्ची लग रही है? आपको करने को बोले हैं कि आप काम करिए, हमको धूप लग रहा है। तो धूप लग रहा है आप बाहर क्यों है, आप अंदर बैठिए, बैठ के अपना मोबाइल चलाइए। अगर आप बाहर आ गए तब देखना, परेशान करके रख दिए। बाबू कौन परेशान कर रहे हैं? हाँ पापा पेंट नहीं करने दे रहे ना, कहते क्यों नहीं करने दे रहे हैं? अच्छा लग रहा है पेंट करने के बाद, पूरा नया नया लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है पूरा। अभी एक कोट मारे, एक कोट और मारना है, तो ये परेशान कर रहे हैं। आप क्यों नहीं मारने दे रहे हैं? आपको आलस आता है, खुद काम करते नहीं हो, हमको भी करने देते हैं कि ताकि मेरे साथ बैठे बातें करें झगड़ा करें ना, बस यही रीजन है, बस यही रीजन है, ताकि ये कुछ काम नहीं करने देते हैं। लगा रहे हैं सुबह से बिना नहाए धोए हम पड़े हैं, सोच रहे काम कर ले फिर नहाए पेंट कर ले, 9 बज गया लेकिन परेशान कर देते हैं। तो आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।